हमेशा से गुलजार रहने वाला मोराबादी कहीं न कहीं अभी वीरान पड़ा हुआ है। वीरान हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां कहीं न कहीं हमेशा भीड़ लगा रहती थी, वहां अब सभी दुकानदारों के नहीं खोलने से कहीं न कहीं लोग जो दुकानदार थे उनको उन पे परिवार वालों पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए आज जो है हाई कोर्ट में क्या कुछ फैसले हुए हैं और अगली तारीख 3 मार्च को जो है कह सकते हैं आपके नगर निगम और सरकार को जवाब मांगा गया है, क्या कुछ पूरा मामला आज कोर्ट में जो है बहस के दौरान हुई है वह हम आपको बताते हैं। फुटपाथ दुकानदारों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कि कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानें हटाना हल नहीं। वही रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार से जवाब मांगा गया है। वही आपको बता दें पूरा मामला कि मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। फुटपाथ दुकानदारों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता रितु कुमार एवं देवर्षि मंडल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में मौखिक रूप से कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानें खाली करवाना समस्या का हल नहीं है। वहीं रांची नगर निगम के द्वारा अदालत को बताया गया कि जिन दुकानदारों को मोराबादी से हटाया गया इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सभी दुकानें मोराबादी में जहां थी वहीं पर बनी हुई है, लेकिन आगे की क्या वस्तुस्थिति होगी वह देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि मोराबादी के आंदोलन फुटपाथ दुकानदारों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 202 दुकानदारों ने उपायुक्त, नगर आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के ऊपर वाद दाखिल किया है, जिसमें कि वाद में इस बात का जिक्र किया गया है कि वर्षों से ठेला खोमचा गुमटी लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है। यह मामला 27 जनवरी को मोराबादी में गैंगवार हुआ था, जैसा कि आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक अपराधी की मौत हो गई थी, जिसके बाद 28 जनवरी को शाम 6 बजे जिला प्रशासन ने मोराबादी में निषेधाज्ञा लागू कर दी और साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी। मोराबादी में गुमटी ठेला खोमचा लगाने वाले को वहाँ से अपनी दुकानों को हटाने का आदेश जारी कर दिया, जिस कारण वहाँ के दुकानदारों को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसको विरोध में लगातार 14 दिनों तक आंदोलन किया गया, जिसके बाद रांची नगर निगम ने वैकल्पिक जगह देकर आंदोलन को ख़त्म कराया। दुकानदारों के लिए नगर निगम ने JCB लगाकर साफ सफाई कराई, परंतु इसके बाद भी नगर निगम जगह देने की बात से मुकर गई। तो मोराबादी फुटपाथ दुकानदारों को अब जो है कहीं ना कहीं 3 मार्च का इंतज़ार करना होगा और आप कह सकते हैं कि 3 मार्च तक जो जवाब देना है सरकार को, नगर निगम को जवाब देना है, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी फुटपाथ दुकानदारों की ओर से इस पर आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है, कोर्ट ने ये नगर निगम और सरकार को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण जो है फुटपाथ दुकानदारों को कहीं ना कहीं आप बंद इतने दिनों तक नहीं कर सकते हैं। तो इसे में अब 3 मार्च को क्या कुछ जवाब आता है ये देखने वाली बात होगी और आगे क्या कुछ राहत फुटपाथ दुकानदारों को मिलती है, क्या जो है मोराबादी में पहले की तरह ही दुकानें लगेंगी, इस पर कहीं ना कहीं अगले महीने इसका निर्धारित कर दिया जाएगा। हालांकि नगर निगम की ओर से यह कहा गया है कि जो दुकानें हैं उनको शिफ्ट की जा रही है दूसरे जगह पर, और जब तक शिफ्ट नहीं की जाती है तब तक टेम्प्रोरी रूप में जो है पहले जहां दुकान लगाया करते थे दुकानदार वहां लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन दुकानदार जो है जगह नहीं मिलने के, आप कह सकते हैं कि जो जगह जो निर्धारित की गई थी वहाँ जब तक शिफ्ट नहीं की गई है तब तक कहीं ना कहीं अभी सभी दुकानें बंद है और आगे क्या कुछ इस पर निर्णय निकलता है यह देखने वाली बात होगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।